देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल पटवा सराय नवादा का 13वां वार्षिकोत्सव शनिवार को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय निर्देशक रश्मि गुप्ता व प्रबंध निर्देशक आरपी साहू ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। प्रबंध निर्देशक ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि इस विद्यालय का शुभारंभ 13 वर्ष पूर्व किया गया था। इन 13 वर्षों में शिक्षकों की मेहनत के बदौलत विद्या शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रखा है। उन्होंने कहा कि निर्देशक व विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत से यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक नृत्य गीत नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। विद्यालय की छात्रा दीपा एवं ग्रुप, अर्चिता राशि एंड ग्रुप, अर्पणा एंड अनुष्का, आयुषी एंड आर्यन ग्रुप आदि सैकड़ों छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दिया। छात्रों ने स्वागत गान व नृत्य की प्रस्तुति कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने एकांकी के माध्यम से लोगों को, बेटियों को शिक्षा को लेकर जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति की। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को विद्यालय निर्देशक द्वारा मोमेंटो एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, अभिभावक व स्कूली बच्चे मौजूद थे। नवादा जिला से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।